रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून की कहावत गोंडा जिला महिला अस्पताल पर सटीक बैठ रही, जहां 100 बेड के दूसरी व तीसरी मंजिल पर पानी की सप्लाई ठप, शौचालय अव्यवस्था के शिकार। यहां पर गर्भवती महिलाओं को रखा जाता है, बच्चे पैदा होने के बाद 1 सप्ताह रहना पड़ता। ये हाल मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र व DM नेहा शर्मा के नाक के नीचे हो रहा। जिला महिला अस्पताल का 4 मंजिला भवन है, जहां पर 100 महिलाओं की क्षमता है, उनके लिए बेड व आयुष्मान कार्ड। यहां पर व्यवस्था CMS AP मिश्र के समय ठीक थी, इसके बाद स्थायी CMS का अभाव, पेयजल, पंखा, AC व शौचालय की व्यवस्था बिगड़ी है। आपका मरीज भर्ती है? हाँ। अच्छा, ये जो शौचालय बना है कैसा है? खराब है क्या? तुम लोग कैसे जा? हाँ, व्यवस्था है, नहीं पानी वाली ना आए पानी डॉक्टर तो देखे हाँ, हमारी बहू भर्ती है, परसों 18 तारीख को लाए थे, उसका बड़ा ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ है। यहाँ पानी की इतनी किल्लत है पीने वाला, और बाथरूम की इतना दुर्दशा है, किसी से बेकाओ कोई सुनने वाला नहीं। मतलब नीचे एक टंकी लगी उसमें पानी नहीं आ रहा है, या दूसरे फ्लोर पे इसमें पानी नहीं आ रहा है, थर्ड पे उसमें भी नहीं, सब पूरा बाथरूम जितना इतना गंदगी है, और पीने के पानी की इतनी किल्लत है कि मतलब बहुत दुर्दशा है। इतने मरीज है, इतने बीमार आ रहे हैं, सबके लिए बहुत समस्या हो रही है। हमारा घर परसा फरिंदा सुखी है। मरीज का नाम है अंकिता पांडे, परसों लाए हैं। बहुत गंदगी होती है, बहुत गंदगी पे भरमार है पूरा। अपनी अपने मन मतलब इतना दिक्कत है कि इतनी परेशानी की बात हो, मैं तो जाए लायक नहीं है, कैसे कहा जाए वहाँ मरीज का लेके, कैसे वहाँ पाँव पड़े तो पता लगे होगा सीजर भा है, और गए तो सब और सब दिक्कत हो जाए तमाम तरीके। तब यह स्टाफ लोगों से कहो तो कोई सुने नहीं, कहते हम क्या करिए, हमसे हम लोग कहा कैसे करते हैं, CMS से मिलो नहीं उनसे मिलो, फलाने से मिलो, CMO से मिलो। दूसरे मंजिल और तीसरे मंजिल पर मरीजों ने अभी के बताया कि हम लोग पानी पीने के लिए सकते हैं, बाहर से पानी ले जाते हैं, क्योंकि ऊपर जो है पानी सप्लाई हो नहीं रही है। अब कोई वहाँ हॉस्पिटल के दिखाई नहीं दे रहा है, कभी कोई सुनती नहीं है, इसको क्या कहना है? नहीं, इसकी जानकारी मुझे भी अभी प्राप्त हुई है, और इसका संज्ञान लेते हुए CMO को बता दिया गया है कि तुरंत इस पे जाँच कराकर एक्शन लें, और मेरे द्वारा भी कल इसका निरीक्षण किया जाएगा, और अगर कमियां पाई जाएंगी तो इसमें कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा।